ठीक है। तो ये है कैंप मैजिक स्टोन बुक फ्रॉम का एक स्विमिंग पूल जिसको कि आप इंजॉय कर सकते हैं। अब पहाड़ों वगैरह में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बंजी, रिवर्स बंजी, जॉइंट स्विंग, गो कार्टिंग, स्काई साइकिलिंग, पेंट बॉल, ऐसी 50। गर्मी का जो शुरुआत है यहाँ से हो चुका है। गर्मी पूरा घना जंगल है और पानी भी जो है कितना साफ बह रहा है। आलू और पीता का भी डर है। क्या जूस खिला रहे हैं? तो ठीक है भैया, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो ऑल इंडिया साइकिलिंग राइड करते हुए आज मेरा हो चुका है 192 दिन। जी हाँ, 192 डेज। और कल रात हम कहाँ रुके थे वो आपको दिखाते हैं। देखिए, सवेरे सवेरे भी उठ गए हैं, फ्रेश व्रेश भी हो गए हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं यह एक टेंट है और सारा डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप ऋषिकेश शिवपुरी आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक टेंट है, टेंट में 3 बेड लगा होता है और अटैच्ड बाथरूम भी मिलता है, आप देख सकते हैं। और कूलर भी मिलेगा आपको और ये सब कुछ मिलेगा। और अभी मैं बाहर निकलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये था हमारा कैंप। इस तरह के कैंप इस रिज़ोर्ट में बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ये मुझे फ्री में मिला है लेकिन इसका चार्जेज और व्यवस्थाएं क्या क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो ये कुछ एरिया है इस जगह का और इस जगह में खाने पीने की भी व्यवस्थाएं हैं और सब कुछ है। तो चलेंगे और बात करते हैं यहां के मैनेजर से। और इस एरिया का नाम है कैंप मैजिक स्टोन। ये देखिए, सारे टेंट है आसपास में। आपको टेंट के अंदर का सीन तो मैंने आपको दिखाया ही और यहाँ से लुक भी आपको दिखा देते हैं। ये है कैंप मैजिक स्टोन, बुक फ्रॉम एनीवेयर। आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर लेकर के साथ ही साथ में आपको मिल जाएगा एक स्विमिंग पूल जिसको कि आप इंजॉय कर सकते हैं। इतनी ऊँचाई पर स्विमिंग पूल मिल रहा है। नीचे देखिए हमारी गंगा माँ, गंगा नदी, और इतना अच्छा प्यारा व्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ में आपको नेटवर्क का भी टेंशन नहीं, बगल में नेटवर्क मिलेगा क्योंकि अक्सर ऋषिकेश और पहाड़ों वगैरह में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। एयरटेल का नेटवर्क भी है यहाँ पे। और हम चल रहे हैं, अभी आपको बात कराते हैं और मिलवाते हैं यहाँ के मैनेजर से। तो भाई, तुम भी क्या आना चाहते हो ऋषिकेश और ऋषिकेश में कन्फ्यूज हो कहाँ पर हमें मिलेगा राफ्टिंग, क्राफ्टिंग, एडवेंचर कहाँ पे होगा? तो मैं चलिए आपको मिलवाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे है कैंप मैजिक स्टोन का ऑफिस और यहाँ पे सर हैं। तो हेलो सर, क्या नाम है सर आपका? सचिन नाम है मेरा। अच्छा, तो मेरा 2-3 दोस्त है वो आना चाहता है ऋषिकेश में, इंजॉय करना चाहता है। तो सबसे पहले यहाँ का एड्रेस आप बता दीजिए। सर, इसके लिए आपको ऋषिकेश से 15 किलोमीटर केदारनाथ हाईवे पे आना होगा, शिवपुरी। शिवपुरी, हाँ जी, शिवपुरी में कैंप है अपना। कैंप का नाम है कैंप मैजिक स्टोन। अच्छा, तो यहाँ पे आने के बाद क्या क्या फन एक्टिविटीज और क्या क्या एडवेंचर वाली एक्टिविटीज आपके यहाँ होता है और करवाया जाता है वो हमें बता दीजिए। शिवपुरी के अंदर 45 एक्टिविटी होती है, 46 एक्टिविटी होती है रिवर राफ्टिंग मिला के। जी जी, तो कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हो। आप रिवर राफ्टिंग हम ही लोग कराते हैं सर, कैंपिंग भी हम ही लोग कराते हैं। बाकी इसके अलावा 45 एक्टिविटी और होती हैं, जैसे बंजी, रिवर्स बंजी, जॉइंट स्विंग, गो कार्टिंग, स्काई साइकिलिंग, पेंट बॉल, ऐसी 50 एक्टिविटी होती हैं सर यहाँ पे। सब इसी एरिया में होता है? सब इसी एरिया में होती है, सारी की सारी शिवपुरी में ही होती है सर। अच्छा अच्छा, हाँ जी। और यहाँ पे कुछ पिक्चर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों की ये है रोप क्रॉसिंग और है नाइट कैंपिंग। मतलब बहुत सारा ऐसा एडवेंचर वाला एक्टिविटी है जो आप करना चाहते हैं, आप ढूंढ रहे हैं, आप कंफ्यूज हैं, तो आ जाइए हमारे सर के पास मैजिक कैंप स्टोन में। और यहाँ पे देखिए कि सारे ऑप्शन हैं, जीप लाइन, स्काइट और स्कार साइकिल, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। कुछ ऑप्शन में भी अनअवेलेबल हो सकता है सिचुएशन के अनुसार, तो यहाँ पे आकर के आप सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छा, आप बता दीजिए कि मेरा मान ली एक दोस्त है वो आ रहा है, यहाँ पे खाली हाथ आ गया, तो उसको यहाँ पे रह कर आपके पास क्या क्या सुविधा मिलने वाला है, क्या उसका खर्च है एक दिन का रहने का, क्या क्या सुविधा मिलता है? सर, कैंपिंग के लिए अगर आप आते हैं यहाँ पे तो 11 बजे का चेक इन रहता है। अच्छा,
पर पर्सन कॉस्ट रहता है 1500 रुपये पर पर्सन। ट्रिपल शेयरिंग और क्वाड शेयरिंग के टेंट हैं यहाँ पे, 15 टेंट हैं हमारे पास, इसमें 4 टेंट क्वाड शेयरिंग के हैं, 11 टेंट ट्रिपल शेयरिंग के हैं। वॉशरूम उसके अंदर अटैच रहता है, प्लस स्विमिंग पूल रहता है। शाम को म्यूजिक रहता है सर 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, 11 बजे का चेक इन रहता है, दिन में लंच रहता है 1 से 2, शाम को स्नैक्स रहता है 6 से 7, रात को डिनर रहता है 9 से 10, अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट होता है 8 से 9। अच्छा, दो दो अगर दो लड़के आ रहे हैं तो उनके लिए क्या सुविधा रहेगा, कितना वाला क्या लेना चाहिए? डबल शेयरिंग वाला टेंट देंगे सर, 1500 रुपए पर पर्सन का रेट है, डबल शेयरिंग का टेंट देंगे उनको हम। या ट्रिपल आदमी या डबल आए, सभी का 15? हाँ जी, 1500 रुपए पर पर्सन का रेट है। अच्छा अच्छा, ओके सर, उसमें 4 मील इंक्लूड रहते हैं, मतलब लंच, स्नैक्स, डिनर और ब्रेकफास्ट। अच्छा, हाँ जी। तो दोस्तों देख सकते हैं, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बस आइए यहाँ पर और मैजिक स्टोन कैंप में। इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ है, आप संपर्क करें, बात करें, कहीं से भी बुकिंग कर सकते हैं। क्या वो आने से पहले बुकिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, कॉन्टैक्ट नंबर आपने दिखाई दिया मेरा, उसी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा ही नंबर है वो। तो गाइस टेंशन ख़त्म, आइए नंबर पे बात कीजिए, बुकिंग कीजिए, उसके बाद आकर के यहाँ इंजॉय कीजिए, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 1500 रुपये आप देंगे तो एक दिन का आपका नाश्ता, रहने का और बाकी जो एडवेंचर है उसका अलग अलग फीस होता है, वो आपको सब इसमें इंक्लूड मिल जाएगा। तो ठीक है सर जी, जय हिंद, जय भारत। डाउन के कुछ लोग हैं, डाउन के दोस्तों तैयारी हमारा पूरा हो चुका है, कैंप में रुके थे और यहाँ देखिए मेरा साइकिल वाइकिल पूरा लोड हो चुका है और ये है मैजिक कैंप स्टोन का ऑफिस और यहाँ पे हैं सब भाई लोग, हाय भाई, हेलो। और यहाँ पे हैं सर जी, क्या नाम था भैया आपका, क्या नाम है? कुणाल भंडारी, कैंप मैजिक स्टोन। कैंप मैजिक स्टोन, तो इन्होंने हमें रहने के लिए ये ऑफर कर दिया और हम कैंप में रहे और देख सकते हैं ये हमारा सब कुछ है। तो दोस्तों जय श्री राम का नाम ले, जय श्री राम का नाम ले करके अपने राइड को फिर से करते हैं स्टार्ट। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू भाई। और आपका कोई अगर इस तरह का एडवेंचर करने का इच्छा हो तो यहाँ पे आ सकते हैं, सब कुछ आपको मैंने बताया ही, सारा कुछ आपको दिखाया ही। तो चलिए चलते हैं। शिवपुरी में हम लोग थे और ये कैंप वाला जो एरिया था शिवपुरी में था, मतलब एडवेंचर करवाने का इनका शिवपुरी का था। तो थैंक यू भैया, आपने अगर वीडियो देख रहा तो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू। और आज राइड स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि नागेश्वर भाई का सामान सब बिखरा हुआ था और प्रोटेक्शन तो हमने कर लिया है और गर्मी का जो शुरुआत है यहाँ से हो चुका है, गर्मी लगने लगा है भाई। रात में ऐसा नहीं कि ठंडा लगा, लेकिन रात में भी गर्मी लगा, जब रात में गर्मी लगे तो समझ जाना कि ठंडा वाला इलाका ख़त्म हो गया। ठंडा वाला इलाका का मतलब है कि रात में ठंडा और दिन में गर्मी, लेकिन यहाँ अब सब कुछ इक्वल हो चुका है, ऋषिकेश के आसपास में है। चलिए, और यहाँ पे बड़ा बड़ा जीप लाइन और जो ऊपर से कूदता है वो देखिए, उधर टावर जो आपको उधर ऊपर में दिख रहा है ना, उस पर लोगों को बंजी जंपिंग बोलते हैं उसको, बंजी जंपिंग, हज़ारों फीट की ऊँचाई पर चढ़ा करके वहाँ से प्रोटेक्शन करके रस्सी में डाल करके कूदवाया जाता है, तो वो चीज़ है वहाँ पे। तो चलिए इस प्रकार से चल रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ तक चल पाते हैं। ऋषिकेश लगभग हम पहुँचने वाले हैं, शिवपुरी में ऋषिकेश के हैं। चलिए, तो यहाँ पे शाम के 3 बज गया है और इससे पहले हम रुके थे एक गुरुद्वारा में और गुरुद्वारा में खाना वाना खा लिए हैं, फिर चल रहे हैं आगे। अभी देहरादून की तरफ हमको जाना होगा क्योंकि मेरा जो टेंट था वो ख़राब हो गया, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा या फिर दूसरा लेना पड़ेगा। और यहाँ पे रुके थे, यहाँ पर जूस का काउंटर भी है, तो भैया मिल गए थे और जूस पिला रहे हैं। क्या नाम भैया? सतीश। क्या नाम है? सतीश। आप कहाँ से हैं? ऋषिकेश। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? पीयूष। अच्छा, आप भी ऋषिकेश से? नहीं, मुजफ्फरनगर, यूपी। अच्छा, आप लोग दोस्त हैं? हाँ जी। अच्छा, चलिए बढ़िया। गर्मी मतलब उत्तराखंड में अभी तो टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री के आसपास रह रहा है ना? 45 पहुँच जा रहा है? जा रहा है। अच्छा, तो भाई साहब गर्मी जो है इधर भी उत्तराखंड को भी नहीं छोड़ा है, यहाँ भी बुरा, बहुत बुरा हाल है गर्मी से। इधर जो देखिए कि सड़क पे इतना चमचमाता हुआ अभी धूप है कि लोग जहाँ पेड़ देखते हैं
बेचने वाले भी पेड़ के पास ही रहते हैं और भैया जूस पिला रहे हैं तो ठीक है भैया, थैंक यू। अभी हम ऋषिकेश से बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे हम अपना साइकिल का ये करवा रहे हैं, हाँ हटा देते हैं तो इसमें यहाँ पे वेल्डिंग हमको कराना होगा। यहाँ पे जो मेरा बोर्ड था वो टूट चुका है और बोर्ड के बिना लोग समझते नहीं कि क्या कर रहा है, तो इसलिए बनवाना ज़रूरी है, तो इस बार वेल्डिंग ही करवा लेते हैं, पूरा प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा। बहुत गर्मी है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम अभी ऐसा जगह पे हैं जहाँ से दो रास्ता कटता है, एक रास्ता जाता है हरिद्वार की ओर और एक रास्ता जा रहा है देहरादून की ओर। मेरा जो रूट मैप बना है अभी फ़िलहाल का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि ये मेरा रूट मैप है, इस तरह से मैं जाऊँगा देहरादून शिमला इस तरह से होते हुए लेह लद्दाख होते हुए रिटर्न होके आएंगे। तो ये हमारे साथ चल रहे थे हमारे दोस्त, अब ये जा रहे हैं हरिद्वार की ओर, हम जा रहे हैं देहरादून की ओर। तो यहाँ पे है, ठीक है, बाय बाय, ठीक है। तो हम चलेंगे इस वाले रूट पे और ये जाएंगे इधर वाले रूट पे। ये देखिए इधर है हरिद्वार का रूट और इधर है देहरादून, तो हमको जाना है देहरादून। और मेरा कैंप वैम्प भी गड़बड़ हो गया तो कैंप का भी सामान लेना है, ग्लव्स वगैरह लेना है, तो देहरादून में ले करके हम चलते जाएंगे, अपना यात्रा को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं दोस्तों। तो अभी हम NH 7 पे चल रहे हैं, देहरादून का डिस्टेंस यहाँ से मेरे जय जहाँ से भी चल रहे हैं वहाँ से 32 किलोमीटर बचा है। और अभी जो नागेश्वर था मेरे साथ चल रहा था वो अभी दूसरा रूट पे चला गया, हरिद्वार वाले रूट पे। मैं तो हरिद्वार से आ चुका हूँ और मैं अपना अब ये जो सफ़र है, अब मेरा सफ़र का शुरुआत हो गया है शिमला मनाली लद्दाख, ये रूट से जाएंगे। देखते हैं ये जितने भी उत्तराखंड से लेकर के ये सब जो भी रास्ता है आज तक का सबसे कठिन और पहाड़ी इलाकों वाला रास्ता शुरू होने वाला है। वो तो मना कर रहा था लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो ऑल इंडिया ट्रेवल करना है ना, तो जाना ही तो पड़ेगा, कोई उपाय तो नहीं है, इसलिए चलना ही पड़ेगा। तो चल रहे हैं आज से सोलो राइड, सही है, चलते रहेंगे। इससे पहले नागेश्वर थे और हम थे, थोड़ा मौज मस्ती करके चल रहे थे, ये केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ का रास्ता में हम लोग साथ साथ में गए, इसके बाद ये चला गया अपना उधर और हम चल रहे हैं देहरादून की तरफ। मेरे पास एक्चुअली जो टेंट है उस टेंट में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुका है, अचानक पहले चैन ख़राब हुआ तो मैंने सोचा कि चैन से काम चल जाएगा, टेंट का जो होता है वो कवर मैं आपको दिखाऊंगा, और उसका जो डंडी होता है लगाने वाला वो भी टूट गया, रिसेंटली बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो मैं तो ट्रेवल विदाउट मनी कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ प्रोडक्ट खरीदने का जब समय आता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, जैसे कि टेंट अब लेना होगा तो उतना ज़्यादा पेमेंट का हेल्प तो नहीं मिल सकता किसी से, 3 से 4 हज़ार का, तो वो मुझे डीकैथलॉन में जाके किसी भी तरीका से उपाय करके खर्चा करना पड़ेगा, तो वो करेंगे। और धूप का इतना माहौल है कि उत्तराखंड में भी हालत ख़राब है, और गूगल में मैंने सर्च किया कई इलाकों का तो वहाँ का टेम्परेचर जो है भाई साहब सीधे अलर्ट दे रहा है, हीट वेव चल रहा है इधर, हर एक घंटे नहीं हर एक 10 से 20 मिनट बाद एक कप पानी पिए ऐसा लिख रहा था गूगल में। बाकी भाई साहब देख लो ये पूरा जंगली इलाका है, जानवरों का इलाका है, और जंगलों जानवरों का इलाका कैसे आपको दिखाते हैं कि यहाँ देखिए ये बिल्कुल क्लियर पानी आ रहा है, इधर जानवर छुप करके कभी भी पानी पीने आ सकता है। देहरादून टू
सॉरी ये देहरादून वाला रास्ता है, देख सकते हैं पूरा घना जंगल है और पानी भी जो है कितना साफ बह रहा है। जहाँ जंगल हो घना और पानी हो तो वहाँ समझिए जानवर डेफिनेटली आता है, ये पहाड़ों का पानी आ रहा है, तो इस तरह का सीन है अभी यहाँ पे। मैं जो बोलता हूँ कि ये जंगली इलाका है तो वास्तविक में होता है, आपको बोर्ड भी दिखाएंगे। फिलहाल ये नज़ारा देखिए कितना प्यारा नज़ारा भाई, ये जो नज़ारा है ना देखिए, नेचुरल नदी का पानी आ रहा है, ये कोई नाला नहीं है, ये पहाड़ से बह के आ रहा है पानी, देख सकते हैं। और ये जो एरिया है ना, इधर बोर्ड एक लगा हुआ है सामने में, आपको अगर दिख रहा हो तो मैं दिखाता हूँ कि एलिफेंट अंडर पास तीन पानी, मतलब तीन पानी इस जगह का नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पे हाथी क्रॉस करता है ये वाला इलाका में, बहुत मस्त है। उधर भी जाते सीन वीन भी लेते, लेकिन इधर भालू और चीता का भी डर है। अभी हम देहरादून वाले रास्ते में ही हैं और शाम के 7:14 हो गया है, तो एक मिल गया था ढाबा टाइप का, तो ढाबा में ही पूछ लिए रहने के लिए, तो बोल दिए ठीक है रह जाओ। और ये देहरादून वाला रोड है, आप देख सकते हैं ये देहरादून रोड है, और ये ढाबा है, यहाँ पे आज रुक रहे हैं माँ अन्नपूर्णा ढाबा, तो यहीं पे रुक जाएंगे। अंकल से पूछ लिया मैंने, तो बोला ठीक है। और आज चलते चलते पता नहीं गर्मी की वजह से कि क्या पेट में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया यार, मतलब तबीयत ख़राब लग रहा है, तो इसलिए अभी ही रुके नहीं तो और चलते, शाम में चलने में अच्छा लगता दोस्तों। तो यहाँ पे मैं अभी आ गया था एक टेप लेने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है बोर्ड बनाने के लिए, और यहाँ से मैंने ले लिया है। और पता है ये कितना दूर है उस होटल से? 2 किलोमीटर। तो भाई साहब ने मुझे 2 किलोमीटर अपने बाइक से लाया है। क्या नाम है आपका? रोशन ठाकुर। और होटल अभी का है ना? अन्नपूर्णा ढाबा, हाँ मेरा ही होटल है। तो चलिए, भाई ने खुद ब खुद अपना बाइक से लिया है, तो थैंक यू भाई, चलो चलते हैं। और यहाँ का ये मार्केट है, अच्छा लगा, पहाड़ी एरिया से उतरने के बाद ये एरिया थोड़ा ठीक लग रहा है। अब साइकिल चलेगा थोड़ा 100 किलोमीटर,